वेलकम टू ऑल, आई एम डॉक्टर ममता चौधरी, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, JDB गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज, कोटा। आज का हमारा टॉपिक है BSc पार्ट 1, पेपर 1, यूनिट 1। द टॉपिक इज माइकोप्लाज्मा। इन दिस टॉपिक वी विल स्टडी अबाउट मॉर्फोलॉजी ऑफ माइकोप्लाज्मा, सेल शेप एंड रिप्रोडक्शन इन माइकोप्लाज्मा। फर्स्ट, इंट्रोडक्शन टू माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा क्या है? माइकोप्लाज्मा आर द स्मॉलेस्ट वॉललेस फ्री लिविंग प्रोकैरियोट्स बिलोंगिंग टू क्लास मॉलिक्यूल्स। देर वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय पाश्चर इन 1843 व्हेन ही वाज स्टडिंग द कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ प्लूरोनिमोनिया इन कैटल्स। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटे भित्ति विहीन स्वतंत्र जीवी प्रोकैरियोट्स हैं जिनको वर्ग मॉलिक्यूल्स में शामिल किया गया है, और सबसे पहले इनकी खोज पाश्चर ने 1843 में की थी जब उन्होंने पशुओं में होने वाली प्लूरोनिमोनिया डिजीज़ की कॉजल ऑर्गेनिज्म की वो स्टडी कर रहे थे। पाश्चर नेम्ड इट एज प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, दैट इज़ PPLO, बट फेल टू आइसोलेट दैम इन प्योर कल्चर। दीज वर फर्स्ट आइसोलेटेड बाय टू फ्रेंच बैक्टीरियोलॉजिस्ट ई नोकार्ड एंड ई आर रॉक्स इन 1898 फ्रॉम प्लूरल फ्रूट्स ऑफ कैटल्स अफेक्टेड विद प्लूरोनिमोनिया, एंड दिस ऑर्गेनिजम्स वर नेम्ड एज माइकोप्लाज्मा इन 1929 बाय नोवेक। पाश्चर ने इनको PPLO नाम दिया, लेकिन ये इसको शुद्ध कल्चर के रूप में प्राप्त नहीं कर सके। उसके बाद दो बैक्टीरियोलॉजिस्ट नोकार्ड एंड रॉक्स ने 1898 में इस ऑर्गेनिज्म को प्राप्त किया और इसका नाम इसको बाद में नोवाक के द्वारा माइकोप्लाज्मा नाम दिया गया। ये माना गया है कि प्लूरोनिमोनिया जो है हाईली संक्रामक रोग है जो पशुओं में पाया जाता है, और सबसे पहले यह रोग जर्मनी और स्विट्ज़रलैंड में 1713 में अपीयर हुआ और पूरे यूरोप में फैल गया। कैटल्स में होने वाले प्लूरोनिमोनिया को कॉज करने वाला जो माइकोप्लाज्मा था वो था माइकोप्लाज्मा माइकोइडिस। माइकोप्लाज्मा जो है हाईली प्लियोमॉर्फिक होते हैं, यानी ये अपनी आकृति बदलते रहते हैं, बहुरूपीय होते हैं, और ये बडिंग के द्वारा या मुकुलन के द्वारा जनन करते हैं। इसके अलावा ये विखंडन के द्वारा और छोटी खंड बनाकर या स्मॉल बॉडीज़ के निर्माण के द्वारा भी ये जनन करते हैं। माइकोप्लाज्मा में स्टेरॉल्स नहीं पाए जाते। मोस्ट माइकोप्लाज्मा रिक्वायर ए रिच न्यूट्रिएंट मीडियम कंटेनिंग स्टेरॉल एंड सीरम प्रोटीन फॉर ग्रोथ। ज़्यादातर माइकोप्लाज्मा को ग्रोथ के लिए सीरम प्रोटीन्स की और स्टेरॉल युक्त पोषक माध्यम की ज़रूरत होती है। ऑन सॉलिड मीडियम माइकोप्लाज्मास फ्रॉम माइन्यूट ट्रांसपेरेंट कॉलोनीज दैट टिपिकली हैव ए कैरेक्टरिस्टिक फ्राइड एग अपीयरेंस। अगार मीडियम पे माइकोप्लाज्मा को ग्रो किया जाता है तो ये फ्राइड एग यानी पके हुए अंडे की जैसी अपीयरेंस देते हैं। सिंस देयर डिस्कवरी इट वॉज फाउंड दैट मेम्बर्स ऑफ माइकोप्लाज्मा आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स एंड पैथोजेंस ऑफ मैनी मैमेलियन एंड एवियंस। बाद में ये माना गया कि माइकोप्लाज्मा जो है वो अविकल्पी परजीवी हैं तथा अनेक मैमल्स में और पक्षियों में कई सारी रोग उत्पन्न करते हैं। प्लांट पैथोलॉजिस्ट हैड नॉट कंसिडर्ड और इवन सस्पेक्टेड माइकोप्लाज्मास एज कॉजल एजेंट्स ऑफ प्लांट डिजीजेज बिफोर द डिस्कवरी ऑफ जैपनीज वर्कर डॉय एटोल एंड इशिल एटोल। पहले ये माना जाता था कि माइकोप्लाज्मा जो है एनिमल्स में ही डिजीज़ करते हैं, लेकिन बाद में ये ज्ञात हुआ कि माइकोप्लाज्मा पौधों में भी रोग उत्पन्न करते हैं।
They found that wall-less microorganisms resembling mycoplasmas were seen with electron microscope in the phloem of plants infected with yellow type and witch's broom of alfalfa disease. Such diseases were earlier thought to be caused by viruses. जैपनीज वर्कर्स ने पाया कि भित्तिविहीन सूक्ष्म जीवी होते हैं जो माइकोप्लाज्मा की तरह ही दिखाई देते हैं और ये अल्फा अल्फा पौधे में विचेस ब्रूम डिजीज उत्पन्न करते हैं, लेकिन इससे पहले ये माना गया था कि ये डिजीज़ वायरस करते हैं, लेकिन इनकी डिस्कवरी के बाद ये ज्ञात हुआ कि ये डिजीज़ माइकोप्लाज्मा नामक सूक्ष्म जीवों द्वारा होती है. Currently, more than 15 plant diseases were known to occur due to mycoplasma-like organisms. Now, the name of phytopathological mycoplasmas was changed to phytoplasma. अब तक mycoplasma के द्वारा उत्पन्न disease की संख्या 15 ज्ञात की जा चुकी है और इनको नया नाम phytoplasma दिया गया है. Phytoplasmas are wall-less prokaryotes, which are phytopathogenic and belong to class molecules. Phytoplasmas basically survive in phloem tissue of plant and produce symptoms like yellowing, phyllody and witch's broom. Mycoplasma, जैसे कि हमने अभी पहले पढ़ा कि ये भित्तिविहीन प्रोकैरियोटिक जीव हैं और इनको वर्ग मॉलिक्यूल्स में शामिल किया गया है, और ये जो phytoplasmas जो हैं ये पौधों के phloem ऊतकों में वृद्धि करते हैं और उत्पन्न होते हैं, और कई सारे लक्षण पौधों में इनके कारण उत्पन्न होते हैं, जैसे पौधे का पीला पड़ना, पौधे का लीफी जैसा स्ट्रक्चर होना जिसे हम कहेंगे फिलोडी, और पौधों में बहुत अत्यधिक शाखन का बढ़ जाना, इसे हम कहते हैं विचेस ब्रूम. तो ये सारे सिम्टम्स फाइटोप्लाज्मा के द्वारा उत्पन्न होते हैं. विद द डिस्कवरी ऑफ सेवरल ग्रुप्स ऑफ माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिजम्स, इट हैज़ बीन कैटेगराइज एज माइकोप्लाज्मास, फाइटोप्लाज्मास, स्पायरोप्लाज्मास, आर्कियोप्लाज्मास एंड एंटोमोप्लाज्मास. कई सारे माइकोप्लाज्मा जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं उनके बेसिस पे इनको क्लासिफाई किया गया है. जैसे एनिमल्स को इन्फेक्ट करने वाले माइकोप्लाज्मा जो है वो उनको माइकोप्लाज्मा शब्द दिया गया है. प्लांट्स को इन्फेक्ट करने वाले माइकोप्लाज्मा फाइटोप्लाज्मा कहलाते हैं. प्लांट्स और इंसेक्ट दोनों को इन्फेक्ट करने वाले कहलाते हैं स्पायरोप्लाज्मा. एनिमल्स, प्लांट्स और इंसेक्ट तीनों को जो इन्फेक्ट करें माइकोप्लाज्मा उनको आर्कियोप्लाज्मा ग्रुप में डाला गया है, और इंसेक्ट्स और प्लांट्स को इन्फेक्ट करने वाले माइकोप्लाज्मा को एंटोमोप्लाज्मास में वर्गीकृत किया गया है. नाउ मॉर्फोलॉजी ऑफ माइकोप्लाज्मा, यानी माइकोप्लाज्मा की आकारिकी कैसी होती है. माइकोप्लाज्मा जो है कई सारे फिल्टर्स से गुजर जाते हैं और ये ग्रो कर सकते हैं ऐसे मीडिया में जहाँ लिविंग टिश्यू ना हो, और इनको बैक्टीरिया और वायरस के बीच का माना गया है या इनका मध्यवर्ती माना गया है. माइकोप्लाज्मा जो है छोटे एक कोशिकीय अगतिशील प्रोकैरियोटिक जीव हैं. ये सेल फ्री मीडिया में फ्राइड एग जैसा अपीयरेंस देते हैं. ये हाईली प्लियोमॉर्फिक होते हैं, यानी अपना आकार बदलते रहते हैं, यानी बहुआकारिकीय होते हैं, और कई बार छोटी गोलाकार संरचनाएं यानी कोकोइड बॉडीज भी शो करते हैं. इसके अलावा ये रिंग फॉर्मेशन और फिलामेंटस फॉर्मेशन भी दर्शाते हैं, यानी रिंगनुमा स्ट्रक्चर और फिलामेंट्स जैसा संरचना ये दर्शाते हैं. माइकोप्लाज्मा सेल्स आर बाउंडेड बाय ट्रिपल लेयर यूनिट मेम्ब्रेन विदाउट ए रिजिड सेल वॉल. दे लैक एबिलिटी टू सिंथेसाइज सेल वॉल मटेरियल. माइकोप्लाज्मा की जो मेम्ब्रेन होती है वो तीन लेयर से मिलके बनी होती है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल या कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती. क्यों? क्योंकि इनमें कोशिका भित्ति निर्माण करने वाले पदार्थों का निर्माण नहीं होता.
माइकोप्लाज्मा जो है बैक्टीरियल फिल्टर के द्वारा भी छाने जा सकते हैं, यानी इसका मतलब ये फिल्टरेबल है। और माइकोप्लाज्मा जो है वो पेनिसिलियम के प्रति अत्यधिक प्रतिरोधी है तथा टेट्रासाइक्लिन के द्वारा इन्हें इनकी वृद्धि को रोका जा सकता है और कुछ स्पेसिफिक एंटीबॉडी के द्वारा भी इनकी वृद्धि को रोका जा सकता है। माइकोप्लाज्मा को वृद्धि के लिए स्टेरॉल्स की आवश्यकता होती है। ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं है जिसमें ये बताया गया हो कि माइकोप्लाज्मा जो है वो बैक्टीरिया से उत्पन्न हुए हैं या डिराइव हुए हैं। माइकोप्लाज्मा सेल्स कंटेन बोथ डीएनए एंड आरएनए, यानी माइकोप्लाज्मा की जो कोशिकाएं हैं उसमें डीएनए और आरएनए दोनों पाए जाते हैं। रिप्रोडक्शन इज कॉन्ट्रोवर्शियल, परहैप्स डेवलप विद इन फिलामेंट्स टाइनी कोकोड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एलिमेंट्री बॉडीज रिलीज बाय फ्रेगमेंटेशन ऑफ फिलामेंट्स और बाइनरी फिशन और बाय बर्डिंग। माइकोप्लाज्मा का जो रिप्रोडक्शन है वो कॉन्ट्रोवर्शियल है, यानी विवादास्पद है। ऐसा माना गया है कि माइकोप्लाज्मा के अंदर स्पेशल गोलाकार संरचनाएं बनती हैं जिन्हें प्राथमिक खंड कहते हैं या एलिमेंट्री बॉडीज कहते हैं। जब माइकोप्लाज्मा में के फिलामेंट्स में खंडन होता है तो ये एलिमेंट्री बॉडीज जो है मुक्त होती हैं। और इसके अलावा माइकोप्लाज्मा मुकुलन के द्वारा भी जनन करती हैं, ऐसा माना गया है। नाउ सेल शेप ऑफ माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो है शेप या आकृति में काफ़ी चेंज करती है। दे मे बी एंटायर स्फेरिकल पॉलीमॉर्फिक और इरेगुलर फिलामेंटस इन फॉर्म। तो माइकोप्लाज्मा जो है वो गोलाकार बहुआकारी की है या अनियमित फिलामेंट्स की तरह या तंतु की तरह भी पाई जाती है। और ये जो फिलामेंट स्ट्रक्चर होते हैं, ये जो तंतुनुमा स्ट्रक्चर होता है, ये शाखित व अशाखित हो सकता है। सेल स्ट्रक्चर ऑफ माइकोप्लाज्मा, यानी माइकोप्लाज्मा की कोशिकीय संरचना। माइकोप्लाज्मा की जो कोशिका होती है काफ़ी छोटी होती है, उसका जो डायामीटर होता है वो 0.3 से 0.9 माइक्रोमीटर होता है। ये प्रोकैरियोटिक संरचनाएं होती हैं और इनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। ईच सेल इज कवर्ड विद ए यूनिट लिपोप्रोटीन साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन विच इज 7.5 to 10 माइक्रोमीटर थिक। तो प्रत्येक कोशिका जो है वो एक यूनिट मेम्ब्रेन लिपोप्रोटीन से बनी हुई यूनिट मेम्ब्रेन से घिरी रहती है जिसकी मोटाई 7.5 से 10 माइक्रोमीटर थिक होती है। साइटोप्लाज्म में ही जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, इसके अलावा राइबोसोम्स पाए जाते हैं और डीएनए आरएनए दोनों ही जेनेटिक मटेरियल के रूप में काम करते हैं। इट इज़ यूजुअली हाफ दैट यूजली अकर इन अदर प्रोकैरियोट्स। द डीएनए अमाउंट्स टू 4% एंड आरएनए अबाउट 8%। तो माइकोप्लाज्मा में जो साइज होता है वो डीएनए में, डीएनए का जो मात्रा होती है 4% और आरएनए की मात्रा 8% होती है। और जो माइकोप्लाज्मा है वो ग्राम नेगेटिव होते हैं और ये किसी भी डाई के प्रति धीरे स्टेन लेते हैं, टाइम लगता है इनको स्टेन लेने में। माइकोप्लाज्मा जो है नॉन मोटाइल होते हैं, यानी अगतिशील होते हैं, लेकिन ये ग्लाइडिंग मूवमेंट शो करते हैं। माइकोप्लाज्मा जो है स्ट्रेप्टोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन और क्लोरामफेनिकोल के प्रति संवेदी होते हैं जबकि पेनिसिलिन के प्रति असंवेदी होते हैं। नाउ रिप्रोडक्शन इन माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो है बडिंग के द्वारा या द्विविखंडन के द्वारा जनन करते हैं। माइकोप्लाज्मा की जो कोशिकाएं हैं वो अनियमित रूप से विभाजित होती हैं और कई छोटी संरचनाएं बनाती हैं जिनको कहते हैं एलिमेंट्री बॉडीज़ या मिनिमल रिप्रोडक्टिव यूनिट्स। दीज आर फॉर्म्ड इनसाइड द लार्ज बॉडीज और मैच्योर सेल्स। देयर साइज वेरीज फ्रॉम 330 nm to 450 nm in nanometer।
दीज बॉडीज आर द स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट लिविंग एंटिटीज सो फार नॉन. तो इनका जो एलिमेंट्री बॉडीज का जो साइज होता है वो 330 नैनोमीटर से 450 नैनोमीटर होता है, और ये जो साइज है ये काफ़ी स्मॉलेस्ट होता है सभी जीवित प्राणियों के से कंपैरिजन करने पर. नाउ ट्रांसमिशन ऑफ माइकोप्लाज्मा, यानी माइकोप्लाज्मा जो है उनमें ट्रांसमिशन कैसे होता है, संचरण कैसे होता है. माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म और फाइटोप्लाज्मास आर यूजुअली प्रेजेंट इन फ्लोएम ऑफ द होस्ट प्लांट एंड आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम होस्ट टू अनदर होस्ट बाय लीफ हॉपर्स, बट सम आर ट्रांसमिटेड बाय साइलिड्स, ट्री होपर्स, प्लांट होपर्स एंड सम पॉसिबली बाय एफिड्स एंड माइल्स. जो MLO है या फाइटोप्लाज्मा है ये यूजुअली होस्ट प्लांट के फ्लोएम में पाए जाते हैं, और इनका जो ट्रांसमिशन है एक होस्ट से दूसरे होस्ट में वो लीफ होपर्स के द्वारा या ट्री होपर्स के द्वारा या प्लांट होपर्स या एफिड्स के द्वारा होता है. सम ऑफ द पैथोजन आर नोन टू इन्फेक्ट वेरियस ऑर्गन्स ऑफ देयर लीफ होपर्स और साइलिड्स वैक्टर्स एंड सो मल्टीप्लाइन देयर सेल्स. द वैक्टर्स कैन नॉट ट्रांसमिट द फाइटोप्लाज्मा इमीजिएटली आफ्टर फीडिंग ऑन द इन्फेक्टेड प्लांट, बट इट बिगिन्स टू ट्रांसमिट इट आफ्टर एन इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ 10 to 45 डेज डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर. तो जो कुछ जो पैथोजन हैं उनमें उनके कई सारे वेरियस ऑर्गन्स जैसे कि लीफ होपर से इनके ऑर्गन्स में जो माइकोप्लाज्मा या फाइटोप्लाज्मा पाए जाते हैं, और ये 10 से 45 दिन के इंक्यूबेशन पीरियड में इन जीवों में रहते हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ माइकोप्लाज्मा. थैंक यू.